दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज एसएससी जीडी मेडिकल का पहला दिन है और आप लोगों के मन में एक बात बार बार आ रहा होगा कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे हो रहा है, क्या क्या चेक हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, और मैं जिस जगह मेडिकल टेस्ट देने जाऊँगा क्या वहाँ के डॉक्टर एंड स्टाफ सपोर्टिंग हैं। दोस्तों, आज मैं इन्हीं सारे आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेडिकल टेस्ट देने जाने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके जाना है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका गेट में रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे दिया गया है, परंतु आप कोशिश करना कि सेंटर में 5 से 5:30 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपको वहां गेट में लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है। आप समय से पहुंचोगे तो आपका दिन का शुरुआत भी अच्छा से होगा और आप जिस काम के लिए आए हो उसमें सफल हो पाओगे। आपको गेट से एंट्री देने के लिए आपसे मेडिकल एडमिट कार्ड, साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। आपको वहां बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मेडिकल बहुत ही अच्छी तरह से कंडक्ट कराया जा रहा है और वहां के डॉक्टर एंड स्टाफ भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें कि आपको वहां जो भी मेडिकल टेस्ट से संबंधित, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या अन्य प्रकार का डाउट जो बच्चों को हो रही है, उसे बताया समझाया जा रहा है। अधिकांश बच्चे फॉर्म फिलअप करते वक्त गलती होने पर वाइटनर का यूज कर रहे थे, तो आप ये गलती ना दोहराएं। आप जब भी जाएं तो ध्यान से फॉर्म फिलअप करें। अगर आपसे फॉर्म फिलअप करते वक्त गलती हो जाती है तो आप वहां के स्टाफ से पूछे बिना वाइटनर का उपयोग ना करें। आप स्टाफ की बातों को ध्यान से सुने, गलती ना करें। अपने साथ मूल प्रमाण पत्र और उसका 4 से 5 कॉपी जेरोक्स, 5 फोटो, पेन इत्यादि अवश्य ले जाएं, जो आप फिजिकल के समय ले गए थे। आज आपका पहला दिन था जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और कुछ बच्चों का हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें ब्लड, यूरिन, एक्सरे का जांच किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।